हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कुक विद यश में स्वागत है। इस नवरात्रि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शकरकंद का हलवा, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और इसको व्रत में खाने से बहुत सारी एनर्जी भी आ जाती है। शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, हमारे यहाँ इसे कन्ना भी कहा जाता है, तो इसलिए हम इसे कन्ने का हलवा भी कहते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे नए वीडियोस की अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम बनाते हैं शकरकंद का हलवा। शकरकंद यानी कन्ना, कन्ने का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये कन्ना। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है, अब इसे हम कुकर में बॉयल करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हें कुकर में डाल देंगे, फिर इसमें हम लेंगे आधा ग्लास पानी। कुकर की 2 सीटी बजने पर गैस को बंद कर देंगे। देखिए कन्ना हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है, ये आराम से चाकू इसके अंदर चला जा रहा है। बस इन्हें हम निकाल लेंगे। थोड़े ठंडे हो जाने पर हम इन्हें अच्छे से छील लेंगे। कुकर में बॉयल किए हुए शकरकंद आराम से छिल जाते हैं। तो ये सारे कन्नों को हमने छील लिया है, तो इसे हम इसकी मदद से मैश कर लेंगे। मैशर भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो गया है। अब इन्हें हम साइड रखते हैं और अपने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। मैं यहां पर इतना घी डाल रहा हूं, ये लगभग 1 बड़े चम्मच है। ये जो सारे हमारे कन्ने हैं तो ये लगभग 1 कप होंगे मेजरिंग कप से, तो इन्हें भी हम इसमें डाल देंगे। बस अब इन्हें हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। कन्ना हमारा ऑलरेडी बॉयल किया हुआ है यानी पका हुआ है, तो बस इन्हें हमें भूनना ही है। हलवा हमारा कढ़ाई छोड़ने लगा है। ये देखिए कन्ना हमारा अच्छे से भुन गया है, तो बस अब इसमें हम चीनी और मलाई डाल करके अपने आगे का प्रोसेस करेंगे। इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच चीनी। कन्ना ऑलरेडी मीठा होता है, तो आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं ताजी मलाई, लगभग 3 छोटे चम्मच। ये देखिए ये बिल्कुल बढ़िया से हमारा हलवा तैयार हो गया है। तो बस अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं अपने ड्राई फ्रूट्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डाल रहे हैं नारियल का पाउडर, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। बस गैस को ऑफ कर देंगे और अपने हलवे को हम निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारी नवरात्रि स्पेशल शकरकंद का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप भी इसे अपने नवरात्रि के व्रत में बनाइए और इसका लुत्फ उठाइए। मैंने और भी बहुत सारे फलाहारी रेसिपीज डाल रखे हैं, जिसका प्लेलिस्ट आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी जाइए देखिए और उसका लुत्फ उठाइए। तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका लुत्फ उठा सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आपसे मैं फिर मिलूंगा अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।